हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिसेस वरुण किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं मालपुआ विद रबड़ी। इसे बनाना बहुत आसान है, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम रबड़ी बनाएंगे। रबड़ी बनाने के लिए हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हम दूध डालेंगे, उसको हम फुल फ्लेम पे बॉईल करेंगे। जब वो बॉईल हो जाएगा तो हम उसकी गैस सिम कर देंगे और उस पर हाथ चलाते रहेंगे। रबड़ी बनते समय उसमें हाथ चलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रबड़ी अगर हमारी नीचे लग गई तो उसमें टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, इसलिए हम इसमें हाथ चलाते रहेंगे। इसके साइड में हम दूध बिल्कुल कलेक्ट नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर वो साइड में कलेक्ट हो जाएगा तो हमारी रबड़ी गाढ़ी नहीं होगी, इसलिए हम उसके साइड के दूध को उसको बीच में करते जाएंगे छुड़ा के, जिससे हमारी रबड़ी उसी से ही थिकनेस आती है। अब इसमें हम 2 चम्मच शक्कर डालेंगे, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे। देखिए हमारी रबड़ी बनके तैयार है। अब हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए हम 1 कप शक्कर और 1 कप पानी डालेंगे। इसे हम गैस पर रखेंगे, फुल फ्लेम पे हम चलाएंगे। इसमें कंटिन्यू हाथ चलाएंगे, क्योंकि हमारी चाशनी तली में ना लगे। हमें 1/2 कप शक्कर की और आवश्यकता थी, वो हमने इसमें डाला है। अब हम इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे और हम इसमें 2 इलायची डालेंगे फ्लेवर के लिए। अब हम अपनी चाशनी को चेक करेंगे। हमें चाशनी हमें इतनी चाहिए जिसमें इसमें थोड़ा सा चिपचिपापन आना चाहिए। अब हम एक मिक्सर जार लेंगे, जिसमें हम 1 कप आटा डालेंगे और 1/4 कप सूजी डालेंगे, 4 टीस्पून इलायची पाउडर, 1 टीस्पून फेनल सीड सौंफ और 2 चम्मच फ्रेश मलाई। एक कप दूध डालेंगे। अब हम इसका मिक्सर चलाएंगे। अभी हमें इसमें काफ़ी थिक पेस्ट है हमारा ये। अब हम इसमें 1 कप दूध और डालेंगे। मिक्सर जार को हमें एकदम स्पीड से नहीं चलाना है, ट्विस्ट करते हुए चलाना है, वरना हमारा पूरा बैटर निकल के बाहर आ जाएगा। देखिए हमारा बैटर बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसे बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए हमारा बैटर कितना बढ़िया बना है ना, बस इसी टाइप का हमें बैटर चाहिए रनिंग कंडीशन में। अब हम एक पैन लेंगे, जिसमें हम घी डालेंगे। देखिए हमारा घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1 ड्रॉप बैटर डाल कर चेक करेंगे। देखिए हमारा बैटर भी परफेक्ट है और घी भी बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून की हेल्प से हम इसमें 1-1 करके मालपुआ डालेंगे। इसी तरीके से हम सारे मालपुए डालते जाएंगे। हमारे पैन में एक बार में 5 से 6 मालपुए आराम से सिक जाएंगे, क्योंकि मेरा पैन काफ़ी बड़ा है। ने हम देखिए गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। देखिए एक साइड से हमारे ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, बस दूसरी साइड से भी हमें इसी तरीके से दोनों साइड से हमारे अब पक चुके हैं। अब हम इसे एक जाली में निकालेंगे। अब हम मालपुओं को टिश्यू पेपर पर निकालेंगे, जिससे कि इसका एक्स्ट्रा ऑयल वो सोक कर ले। अब हमने देखिए हमने अपने बैटर को पहले से थोड़ा सा पतला किया है, जिससे कि हमारे पुए थोड़े से पतले पतले बने। मैंने इसमें 1/4 कप दूध और डाल के मिक्स किया है। देखिए बन रहे ना कितने बढ़िया पतले पतले। तो बस इसीलिए पहले थोड़ा हमारा थोड़े थिक थे, अब मैंने थोड़े से पतले बना के बनाया। देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं ना थोड़े पतले पतले, क्योंकि हमारी चाशनी सोक हो जाती है तो काफ़ी मोटे हो जाते हैं ना, इसलिए मैंने थोड़े पतला कर दिया। इसलिए मैंने आपको बताया है कि इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। देखिए एक साइड से ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए इसका ऑयल घी बिल्कुल निकाल के निकालेंगे, क्योंकि इसमें घी सोक हो जाता है।
मीडियम फ्लेम पे हम इनको तलेंगे। अब हमारे मालपुए बनके तैयार हैं। अब हम इसको चाशनी में सोक करने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। हम एक प्लेट के ऊपर मालपुआ लगाएंगे। चाशनी की जगह पर हम शहद यूज़ करेंगे। कुछ लोगों को शक्कर खाना पसंद नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए शहद एक हेल्दी ऑप्शन है। शहद से आटा मालपुआ का टेस्ट बढ़ जाता है। दो चम्मच रबड़ी डालेंगे हम। अब हम इसके ऊपर इलायची पाउडर डाल देंगे। अब हम सैफ्रॉन डालेंगे, केसर, चॉप किया हुआ हम बादाम डालेंगे, चॉप किया हुआ हम पिस्ताशू डालेंगे गार्निशिंग के लिए। देखिए हमारा शहद मालपुआ बनके तैयार है। लग रहा है ना कितना बढ़िया? देखो खाने में भी उतना ही टेस्टी है। अब हमारे मालपुआ चाशनी अच्छे से सोक कर चुके हैं। लग रहे हैं ना देखो कितने अच्छे सॉफ्ट। बस इसी तरीके से हमें एक के ऊपर एक लगाएंगे। और अब हम इसके ऊपर रबड़ी डालेंगे। ठंडी होकर हमारी रबड़ी देखो कितनी थिक हो गई है ना। बस अब हम इसके ऊपर चॉप किया हुआ बादाम और पिस्ता डालेंगे। अब हम ऊपर से थोड़ा सा केसर डालेंगे, इलायची पाउडर डालेंगे, केसर डालेंगे। बस बस हो गया हमारा मालपुआ तैयार। अब हमारा मालपुआ बनके तैयार हो चुका है। देखने में तो इतना सुंदर लग रहा है, तो खाने में तो उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। मैंने तो अपने घर बना लिया, अब आप भी अपने घर बनाइए। ओके, बाय, थैंक यू।